दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कई महीने तक चले ड्रामे के बाद आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया है। यह डील 44 अरब डॉलर में हुई है। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट से द बर्ड इज फ्री ट्वीट किया है, जिसका मतलब है चिड़िया आजाद हो गई है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि सीईओ पराग अग्रवाल समेत टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोगों को एलन मस्क ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वैसे इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पराग अग्रवाल को बाहर निकालने पर उन्हें करीब 346 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। डील तो पूरी हो गई है, पर क्या आप जानते हैं ट्विटर इतना बड़ा कैसे बन गया और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? चलिए आपको बताते हैं। ट्विटर को जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने मार्च 2006 में बनाया था, लेकिन शुरुआत में ट्विटर का डोमेन twtr.com था। 6 महीने बाद इसका डोमेन twitter.com में बदला गया, जो अभी तक चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म का पहला ट्वीट जैक डोर्सी ने 22 मार्च 2006 को किया। ट्वीट में जैक ने लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। यह ट्वीट भारतीय समय अनुसार रात 2:20 पर किया गया था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह ट्वीट अब भी मौजूद है, पर इसके मालिकाना हक को जैक ने बेच दिया है। इसके अलावा 22 जनवरी 2010 में नासा के अंतरिक्ष यात्री टीजे क्रीमर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहला बिना सहायता प्राप्त ऑफ अर्थ ट्विटर संदेश पोस्ट किया था।